नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बिहार 3 दिन से हिंसा की आग में झुलस रहा है। 4 जिलों में बम, गोली, आगजनी की घटनाएं थमती नहीं दिख रही। कई दुकानें फूकी जा रही हैं, कई मकान उड़ाए जा रहे हैं। सुशासन बाबू की सरकार में दंगाई कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। अब अमित शाह ने नवादा में हुंकार भरी है कि बिहार की धरती से दंगाइयों को साफ करेंगे और उन्हें उल्टा लटकाकर सजा दिलाएंगे। लेकिन बिहार को दंगे की आग में झोंकने वाले कौन लोग हैं? किसके इशारे पर बमबाज खुलेआम माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं? आज हम बिहार में दंगे की वो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपने अब तक नहीं देखी है। आज दंगे का वो सच दिखाने जा रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं देखा। बिहार में बवाल बा, सुशासन में प्रशासन फेल बा। नीतीश के गढ़ में नया गोली कांड बा। दिन बदला, तारीख बदली। लेकिन नालंदा की पिक्चर नहीं बदली। नीतीश के गढ़ नालंदा के बिहार शरीफ में शुक्रवार को जहां से दंगा भड़का, शनिवार को वहां से 1 किलोमीटर दूर दनादन गोलियां चली। 1 की मौत हो गई और 14 घायल हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 12 राउंड गोलियां चली। यह सब तब हुआ जब शुक्रवार के दंगे के बाद पुलिस फोर्स तैनात थी और धारा 144 लागू थी। शुक्रवार को भी अचानक ही रामनवमी जुलूस पर पथराव शुरू हो गया था और फिर देखते ही देखते बम और गोलियां चलने लगी जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। नालंदा के बिहार शरीफ में इसी रास्ते से शोभा यात्रा जा रही थी। इस तरफ सोहसराय का इलाका है जहां से शोभा यात्रा शुरू हुई थी और यहां से गुजरी। शोभा यात्रा को देखने के लिए सड़क किनारे जितने भी घर हैं वहां लोगों की काफ़ी संख्या थी। लोग अपने घर की छतों से, बालकनी से देख रहे थे और यहाँ से सिर्फ 200 मीटर आगे ही ये घटना हुई। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आपने क्या देखा यहाँ शोभा यात्रा जा रही? यहाँ से आगे बढ़ा है, उसके बाद दंगा हो गया। प्रशासन हाइये नहीं था सर। अच्छा, उस दिन हाइये नहीं था, बहुत कम मात्रा में था। भीड़ बहुत ज्यादा थी, जबकि प्रशासन कुछ नाम के हाइये नहीं था। सर, फायरिंग वायरिंग भी हुआ सिटी पैलेस के पास में। अच्छा, तो कल परसों न्यूज में दिखाया ना कि 6 लोगों को गोली लगा है। तो वही उधर आस पास में कुल गोली, हम लोग गोली लगा जाते थे। भगदड़ के कितनी देर बाद गोली चलने लगी? आधा घंटा के आसपास में भागदड़ मचा, फिर गोली वोली चलना, रोड़ाबाजी होने लगा पूरा। तो उसके बाद तो भीड़ जो है पीछे की तरफ लौटने लगी। पूरा पीछे भीड़ बहुत ज्यादा था। 1 किलोमीटर लंबा रैली था तो उसमें जब आगे वाला पे हुआ ना भागदड़ तो पीछे यहीं से सब लौट गया। उसी में भागदड़ में सब कुछ लोग उधर फंस गया, कुछ लोग इधर फंस गया, फिर पत्थरबाजी होने लगा पूरा। नालंदा के बिहार शरीफ में दंगे की आग किसने लगाई? दंगा अचानक क्यों भड़का? पुलिस इसकी जांच में जुटी है, लेकिन जिस गली से दंगा भड़का वहां मौजूद लोग जो कुछ कह रहे हैं उससे एक बात साफ है कि रामनवमी पर दंगा अचानक नहीं भड़का, इसके पीछे बड़ी साजिश है। तो पथराव कहां से होने लगा? ये पथराव हुआ है आगे पेट्रोल पंप के आगे से। अच्छा, पेट्रोल पंप है ना? हाँ। उसके आगे से हुआ है। तो किस बात को लेकर पथराव हुआ? ये तो जानकारी नहीं, हम गए नहीं ना प्रोसेस में। अच्छा, हम नहीं बता सकते हैं किस बात के लिए हुआ, मगर लोग बोलते आपने हैं। देखा होगा फिर उसके बाद भगदड़ मच गई होगी, भीड़ इधर लौट रही थी। हाँ, भगदड़ मचा। हाँ। सुनते हैं राम और सीता पर ढेला मारा है लोग। अच्छा, उसके चलते ही सब हुआ। अच्छा, जो शोभा यात्रा में राम सीता की प्रतिमा जा रही थी या तस्वीर जा रही होगी? नहीं, तस्वीर नहीं, साक्षात आदमी। अच्छा अच्छा, उस पे पत्थर फेंका गया। हाँ। बिल्कुल शांतिपूर्वक जा रही थी, शांतिपूर्वक यहाँ से आगे बढ़ गया था, वहाँ पे लड़ाई शुरू हुआ था। तो फिर पथराव अचानक कहाँ से होने लगा? वो मस्जिद है वहाँ पे। अच्छा। तो मस्जिद से पथराव हुआ था।
शुरुआत वहीं से हुई? हाँ, वहीं से तो मतलब पत्थर चला था। तो चूंकि काफी भीड़ दिखाई दे रही है जो वीडियो है उसमें, तो अचानक भगदड़ मच गई होगी, क्या हुआ उसके बाद, लोग भागने लगे? लोग वापस इधर आने लगे, पूरा भगदड़ मच गया और जो भी साउंड वगैरह गाड़ी में लगा हुआ था वो सब मतलब टेढ़ा हो गया। तो हम लोग समझ गए कि लगता है कुछ ज्यादा हुआ है, तो फिर बात बढ़ते चला गया पूरा। फिर वहाँ मतलब पूरा इतना धुआं हो गया था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा जल गया था सर। एक स्थान अभी पूरा मतलब आग लग गया तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था हम लोग सब। फिर फायरिंग भी बहुत रात तक होते रहा और हमारे सामने 6 लोग को गोली लगा तो फिर सबको ले जाया गया। आरोप है कि साजिश को अंजाम उस वक्त दिया गया जब रामनवमी का जुलूस मस्जिद और कब्रिस्तान के पास पहुंचा। इंडिया टीवी ने मस्जिद के केयरटेकर को खोज निकाला ताकि इन आरोपों को क्रॉस चेक किया जा सके। हमने मौलवी से सीधा सवाल किया कि पहला पत्थर क्या इसी मस्जिद से चला और जो बड़े दंगे की वजह बना। हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर उस दिन जो घटना हुई वो कैसे हुई, क्योंकि जो वीडियो दिख रहा है उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इस इलाके से पथराव होना शुरू हो गया, तो क्या वजह थी? रामनवमी का जो जुलूस था वो इधर से गुजर रहा था, पथराव करने की क्या जरूरत थी? इधर से पहले पथराव नहीं हुआ, पहले उस जुलूस से पथराव हुआ। अब प्लस क्या, ये देख रहे ना, ये पूरा कब्रिस्तान है, उस पे चढ़ के जा रहे थे लोग, फिर मना किया गया तो उन्होंने गाली देना शुरू की। लेकिन जो वीडियो है उसमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि कब्रिस्तान से चढ़कर कोई जा रहा है। हाँ, तो ये तो साफ तो दिखा दे रहा था, इधर ही तो जा रहा था चढ़ के। जी, इधर ही से चढ़ के जा रहा था, तब लड़का लोगों ने मना किया उसको कि जरा उधर से जाइए, तो लोगों ने गाली देना शुरू। लेकिन अचानक यदि लगातार एक के बाद एक कई घरों से पथराव हो रहा हो, मस्जिद से पथराव हो, कब्रिस्तान से पथराव हो, तो फिर ये तो साफ दिखता है ना कि पहले से तैयारी थी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग तो कोई तैयारी नहीं भाई, हम लोग तो आम आदमी, हम लोग वहाँ सामने बैठे हुए थे, उन लोगों के साथ में थे। हाँ। नमाज पढ़ के हम लोग असर का वहीं बैठे हुए थे सामने, हम लोग क्या पता उधर से ढेला शुरू हो गई। आप इसमें भले ना शामिल रहे हो, लेकिन यदि घरों से अचानक पथराव होने लगे तो ये तो साफ बताता है ना कि कोई पहले से साजिश थी। नहीं नहीं भैया, ये गलत बात है, कोई साजिश नहीं। मौलवी की बातों की सच्चाई की तस्दीक करने के लिए इंडिया टीवी उस मंदिर पहुंचा जहां शुक्रवार को जमकर पथराव हुआ था। वहां आज पुलिस का पहरा है। हमने पुलिस वालों से ही सवाल पूछा कि शुक्रवार को पथराव किसने किया, जवाब आप खुद सुनिए। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जो कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, साथ चल रहे थे, उनसे हमें जानकारी मिली कि शोभा यात्रा पर जो पथराव हुआ वो एक कब्रिस्तान के पास से हुआ और फिर बगल में एक मस्जिद है वहां से भी पथराव हुआ और फिर आसपास के घरों से हुआ। इसकी पड़ताल के लिए जब हम मस्जिद के मुअज्जिन के पास गए तो उन्होंने कहा कि पहले एक करीब में ही मंदिर है वहाँ पर कुछ घटना हुई थी, जो जुलूस में लोग जा रहे थे वो कुछ गाली गलौज कर रहे थे स्थानीय लोगों के साथ, लेकिन पथराव की जो शुरुआत हुई वो यहाँ से पहले ही हो चुकी थी। लेकिन यहाँ एक और पुलिसकर्मी है, हमसे पूछ लेते हैं, ये बताइए कि जिस दिन शोभा यात्रा निकली तो यहाँ से पहले ही पथराव हो चुका था? नहीं, पथराव तो थी भीड़ पर हुआ शोभा यात्रा। कौन सी जगह? वो मस्जिद है, यानी यहाँ से करीब 100 मीटर पहले। मीटर जी। लेकिन मस्जिद के मुअज्जिन से मैंने बात की, उनका कहना था कि ये जो मंदिर है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ गाली गलौज हुआ, जो शोभा यात्रा में लोग चल रहे थे उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ कुछ बदतमीजी की। अपना राम के नाम ले रहे थे, जो नारा लगा रहे थे वही वो कर रहे थे लोग। अब एक बात साफ हो चुकी थी कि हिंसा की शुरुआत मस्जिद के आसपास से ही हुई थी, लेकिन अब सवाल ये बना हुआ था कि क्या धर्म विशेष के लोगों को किसी ने उकसाया और उसके बाद पथराव शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते पूरी गली में धुआं छा गया। ये पथराव कैसे शुरू हुआ? जबरदस्ती कोई दाढ़ी टोपी वाले को देख रहे हैं, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो जहां पे आबादी कम होती है तो आप हमें गाली दीजिए या जो कहिए, हम खामोश अंदर रोते हुए घर चले जाएंगे। इस तरह के कुछ वीडियो भी आप लोग को मिले हैं? चश्मदीद हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, मैं खुद जाके उनसे मिला हूँ कल। मैं जो लोग चल रहे थे वो जय श्री राम कहने को कह रहे हैं, मजबूर कर रहे थे कि कहिए आपने, तो ये उनसे कह रहे होंगे जो सड़क किनारे जिनके घर हैं, जो सड़क किनारे खड़े होंगे। को पानी पिला रहे थे वो। अच्छा। वो राम भक्त को पानी पिला रहे थे। अच्छा। जी, जो राम भक्त को पानी पिला रहे थे वो उनको आप कह रहे हैं गालियां दे रहे थे? गाली दे के कहा कि आपने कहो जय श्री राम कहो, उसने कहा कि हम नहीं कहेंगे। शुरुआत सर आपको गंगा निर्माण मोहल्ले से हुई सर, ठीक है, वह असामाजिक तत्व जो है रोड़ेबाजी अचानक करना स्टार्ट कर दिया सर, हिंदू जुलूस पे, ठीक है, इसी कारण से बहिरंग दल के जुलूस पे, इसी कारण से भगदड़ मच गया सर, बात बढ़ गई आगे।
मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि जुलूस में शामिल भीड़ ने उकसाया, जो बाद में दंगे की वजह बनी। लेकिन सवाल यह है कि छतों से पत्थर अचानक कैसे चलने लगे? क्या जुलूस पर पथराव की तैयारी पहले से थी? बसों में जो आग लगी वो कैसे लगी? सर, हम तो उस दिन ड्यूटी पर थे, आए शाम में जुलूस जा रहा था, अचानक पत्थरबाजी हुआ, भगदड़ हो गया, पूरा इधर भागा है, सब जान बचा के भागा है, उसी में हुआ है यार। क्या उसके बाद बात बढ़ गया, प्रशासन को चाहिए था कि पूरा व्यवस्था देता शुरू से, तो कुछ ना होता। नमनोमी वहाँ सुने कि वहाँ पर कब्रिस्तान के पास ढेला धुकर हुआ, उसी के चलते हड़कंप हुआ, उसी के चलते इधर आदमी आया, सामने छत्ता पर से तो ढेला चल रहा था, उधर मुस्लिम का छत्ता पर से लेडी सब लोग चला रहे थे, उसी को घेरने के लिए आए, अब बोले कि तुम लोग को घेर लिया, उन्होंने देखा इधर बस, तो सब लोग उसी लोग बस को जला दिए। नालंदा के बिहार शरीफ में कई जगहों पर आगजनी की घटना हुई, कई जगहों पे काफी नुकसान हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ गगन दीवान मोहल्ले में, प्रमिला कॉम्प्लेक्स में। ये एक बड़ा गोडाउन है और इसमें अलग अलग छोटे छोटे कई गोडाउन हैं और उन सबों में आग लगा दी गई। यहाँ पर आप देखिए, ये सैनिटरी आइटम का गोडाउन है और इसमें अलग अलग जो सैनिटरी आइटम हैं वो रखे हुए थे, स्टोर थे, लेकिन सब में आग लगा दी गई और जो भी कुछ यहाँ था वो पूरी तरह से मुड़ गया है। आप देखिए, पाइप जो है गल गए हैं, मुड़ गए हैं और इसमें आग इतनी तेज़ थी कि उस पर काबू करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और यही कारण है कि उसके बाद जेसीबी मशीन मंगाई गई, बुलडोजर से इसे तोड़ा गया है, क्योंकि आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये डैमेज किया गया है आग पर काबू पाने के लिए। हाँ, आग पर काबू पाने के लिए कि आग जल्दी से जल्दी बुझे, तो इनको गिरा करके और पानी से मारा गया। हाँ, उधर से भी दीवार तोड़ करके उधर से भी पानी दिया गया। हाँ, अच्छा, तो इस तरह से यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और इसमें सारे सैनिटरी आइटम हैं, सब कुछ। क्या क्या है इसमें? हाँ, ये पाइप प्लास्टिक वाला पाइप है, बोरिंग वाला, जो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये सब तोड़ा गया आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के लिए सर तोड़ा गया। तो इसमें और दूसरे भी जो आइटम है यहाँ पर है गोडाउन अलग अलग, जैसे कि किताब वगैरह का दुकान है, किताब कॉपी का ही सब। जी जी जी, किताब है, कॉपी है, सारा मतलब कलम वगैरह जो भी है, मतलब किताब कॉपी का ही सब दुकान। तो यहाँ पर किताब का एक कह सकते हैं बड़ी दुकान, एक होलसेल दुकान थी और उस जिस समय भीड़ यहाँ पर आई उस समय सिर्फ एक गार्ड था और चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, गार्ड किसी तरह जान बचाकर भागा और उसके बाद भीड़ जब अंदर दाखिल हुई तो यहाँ पर आप देखिए कुछ भी नहीं बचा है। का बहुत बड़ा दुकान है, इसमें बहुत कॉपी किताब रखा हुआ है। हाँ, काफ़ी। और तब तक पुलिस आ गई तब उन लोग भागा, नहीं तो इसमें भी आग लगा दिया जाता। हाँ, घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची? हाँ, पहुंची। और ये सारी चीज़ें वही अंदर से फेंकी गई? अंदर से निकाला गया, जिसमें चीज़ में आग था ना, बाहर निकाला गया कि आग पर काबू पा सके। और ये वो हिस्सा है जहाँ कुछ गाड़ियाँ जली हुई दिखाई दे रही हैं। ई रिक्शा है और एक कार है, तीन ई रिक्शा और एक कार और सब कुछ यहाँ पर राख। नालंदा हिंसा का मास्टरमाइंड क्या बाहरी था या फिर बिहार शरीफ में ही हिंसा का सेंटर पहले से तैयार था? पुलिस 50 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच कर रही है और जल्द ही दंगे की साजिश से पर्दा उठाने की बात कर रही है। हमारे साथ हैं नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर। सर, ये बताइए, कल रात में ऐसा क्या हुआ, स्थिति बिगड़ गई? कल रात में कुछ मिसक्रिएंट्स ने र्यूमर फैलाने की कोशिश की, बड़ी बहुत सारी र्यूमर्स फैलाए गए, अधिकतर फॉल्स इंफॉर्मेशन निकला, लेकिन कुछ लोग उस पर झांसे में आए और थोड़ी स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन कंट्रोल कर लिया गया है। जो भी र्यूमर मॉन्गर्स थे और जिन्होंने भी मिसक्रिएंट किया है सब पे कार्रवाई की जा रही है। गोलियां चलने वाली बात तो सही है, हॉस्पिटल में कई जो घायल थे वो पहुंच रहे थे। हाँ, गोलियां चली थी और उसके आधार पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो लग रहा है कि साजिश के तहत किया गया है, तो हम लोग पूरी जब इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो उसका हम लोग बताएंगे। सीसीटीवी बहुत सारे कई जगहों पर लगे हुए हैं, उसमें कुछ ऐसे संदिग्ध चेहरे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं और वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं। दंगाइयों ने सिर्फ रामनवमी जुलूस को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने शहर में अमन चैन को तोड़ने के साथ बसों को भी आग के हवाले कर दिया। शहर में जब आग लगती है तो उसमें सब कुछ जलता है
हम इस वक्त बिहार शरीफ के गगन दीवान मोहल्ले में हैं। ये एक ट्रांसपोर्ट सेंटर है जहां बस में माल को लोड और अनलोड किया जाता है, और यहां पर आप देखिए दो लग्जरी बस जो है पूरी तरह से जल चुकी है। यहां से झारखंड के लिए बसें रवाना होती थीं, लेकिन भीड़ के निशाने पर ये गाड़ियां भी आ गईं, और आप देखिए ये पूरी तरह से बस जल चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। और दो दिन हो चुके हैं इस हादसे को, लेकिन अभी भी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ आग लगी होगी। यहाँ से बसें रवाना होती थी झारखंड के लिए, और यहाँ पर मालों की ढुलाई होती थी, फिर मालों को उतारा जाता था। अंदर की तस्वीर भी देख लीजिए, ये एक लग्जरी बस है, और ये ऊपर के हिस्से में जो स्लीपर का हिस्सा होता है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ ढांचा है। और ये तस्वीर बता रही है कि शहर में क्या कुछ हुआ है। और ऐसी दो बसें पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। आप मेरे बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों तरफ की तस्वीर देखिए, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, पूरी जो बस है वो जलकर खाक हो चुकी है। यहाँ पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी इसी इलाके से, तो भीड़ ने कई चीज़ों को निशाना बनाया, और उसके बाद उसका भी रिएक्शन हुआ, और कई जगह लोग यहाँ पर जुटे और इस बस को भी निशाना बनाया। दंगाइयों ने एक गोदाम को भी फूंक दिया जिसमें कई वाहन और कई करोड़ का सामान भरा हुआ था। नालंदा में शुक्रवार के हिंसा के बाद बाजार और दुकानें बंद हैं, दहशत का माहौल बना हुआ है। ये एक मदरसा है, यहाँ भी काफी तोड़फोड़ हुई, अगजानी हुई, और इसके बाद आगे के हिस्से में आप देखिए लगातार जितनी दुकानें हैं सारी दुकानें बंद हैं। कल शाम में ऐसा लग रहा था कि नालंदा में स्थिति धीरे धीरे अब सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तस्वीरें बता रही हैं, आप देखिए यहाँ जो बिल्कुल दुकान आपको जला हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक जूते की दुकान हुआ करती थी। लगातार यहाँ दो दुकानें हैं जो जली हुई हैं। दंगाइयों ने एक गोदाम को भी फूंक दिया जिसमें कई वाहन और कई करोड़ का सामान भरा हुआ था। नालंदा में शुक्रवार के हिंसा के बाद बाजार और दुकानें बंद हैं, दहशत का माहौल बना हुआ है। ये एक मदरसा है, यहाँ भी काफी तोड़फोड़ हुई, अगजानी हुई, और इसके बाद आगे के हिस्से में आप देखिए लगातार जितनी दुकानें हैं सारी दुकानें बंद हैं। कल शाम में ऐसा लग रहा था कि नालंदा में स्थिति धीरे धीरे अब सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तस्वीरें बता रही हैं, आप देखिए यहाँ जो बिल्कुल दुकान आपको जला हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक जूते की दुकान हुआ करती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।